जीएस की तैयारी आपने कैसे करी? साइंस के स्टूडेंट्स को जीएस वैसे पसंद नहीं है, और फिर आप एक जीएस में घुसते हो फैक्ट्स याद करने, किस तरीके से आपने जीएस का हैंडल किया? सर 2018 में मेरे 20 मार्क्स थे एंड मुझे रियलाइज हुआ कि काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज में हूँ मैं, बिकॉज ये 5 मार्क्स का डिफरेंस जो एवरेज अराउंड 25 मार्क्स माना जाता है जीके में, तो ये 5 मार्क्स का डिफरेंस रैंक पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, तो मुझे लगा इसमें मेहनत करके थोड़ा मैं एडवांटेज ले सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इस पर काम स्टार्ट किया जीके पे। मैंने बुक्स ली, मैंने लूसेंट की बुक ली, उसके बाद मैंने स्टडी आईक्यू की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना शुरू किया, बट ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक लग रहा था मुझे, बिकॉज लूसेंट इन इटसेल्फ बहुत बोरिंग है, उसमें फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं, तो मुझे लगा अब क्या करना चाहिए। तो एज दे से कि 20-80 रूल में कि 20% ऑफ थिंग्स डिराइव 80% ऑफ रिजल्ट, तो वो जो मेन 20% चीज़ें थी मैंने वो फाइंड आउट करनी शुरू करी, तो उसमें पता लगा कि सीजीएल में हमेशा वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीके में, तो मैंने वो वन लाइनर, सपोज एक डिनेस्टी है तो उस डिनेस्टी में 8-9 चीज़ें ही होंगी जो हमें याद करनी है, लाइक उसका फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, वो किंगडम का कैपिटल कहाँ था, एंड कुछ वॉर्स जो उस टाइम पे लड़ी थी वो किसने जीती थी, तो ये हार्ड कोर फैक्ट्स होते हैं जो वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं, तो मैंने ये सारे वन लाइनर फैक्ट्स इकट्ठे करके बुक में ही मार्क करके ये सारे फैक्ट्स मैंने याद कर लिए। तो ऑलमोस्ट एज अ फेज वन मेरा ये था कि मैंने सारे के सारे जो छोटे फैक्ट्स थे उनको मेमोराइज कर लिया, एंड देन मैं उसके बाद आगे बढ़ा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट में थोड़े और फैक्ट्स इकट्ठा करने शुरू करे, तो जब मैं सेक्शनल मॉक देता था जीके का, तो उसमें मुझे काफ़ी सारी नई चीज़ें पता लगती थी, फॉर इंस्टेंस जो मैंने छोड़ दी, लाइक मैंने मॉन्यूमेंट्स छोड़ दिए, तो वो मॉन्यूमेंट्स फिर मैंने अब पढ़ने शुरू करे, फिर मुझे पता लगा मैंने टेम्पल्स भी छोड़ दिए क्योंकि टेम्पल्स के क्वेश्चन आ रहे थे, तो फिर मैंने टेम्पल्स की एक पूरी लिस्ट निकाली नेट से एंड मैंने वो भी याद करे कि वो टेम्पल की लोकेशन कहाँ है। तो इससे सर मेरा धीरे धीरे एक ऑलमोस्ट लाइक एक बबल ना बड़ा होता गया इसका, एंड उसमें फिर मेरे मार्क्स भी जब मॉक्स में इंक्रीज होने लग गए तो मुझे लगा ये डायरेक्शन ठीक है, तो मैंने ऐसे करके पूरी एंटायर जीके कवर करी। उसके बाद सर स्टडी आईक्यू की वीडियोस ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, उन गौरव गर्ग सर की वीडियोस हैं जिसमें ये सारे उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंपाइल कर रखा है, एंड इवन विद इन द क्वेश्चंस उन्होंने काफ़ी डिटेल में बाकी डिटेल भी ऐड करते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं स्टडी आईक्यू की, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। तो ओवरऑल ये आपका यस सर प्रोसेस था जीके को कवर करने का, ठीक है।